चलिए बच्चों अब हम लोगों को क्या समझना है अब हम लोगों को पीएन जंक्शन डायोड समझना है कि क्या चीज़ होती है पीएन जंक्शन डायोड ठीक है देखिए आप लोगों ने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर अभी समझा कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या चीज़ होती है ठीक है बस इसी को आगे कंटिन्यू करके हम समझेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है ठीक है मान लो आपने क्या करा एक पी टाइप का सेमी बनाया जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैं पी जंक्शन समझाना चाह रहा हूँ ये जो ऊपर है ठीक है कि मान लो आप लोगों ने क्या करा एक पी टाइप का सेमी लिया पी टाइप का सेमी आप समझ रहे हो ना क्या है उसमें उसमें होल्स की कन्सनट्रेशन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन क्या है कम है मतलब वहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है होल्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही आपने एन टाइप सेमी लिया उसमें एन टाइप सेमी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और होल डेंसिटी क्या होगी कम होगी एन टाइप सेमी कंडक्टर मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है होल्स हैं तो पी एन जंक्शन क्या हुआ देखो पी एन जंक्शन कुछ नहीं हुआ आपने एक पी टाइप का सेमी कंडक्टर लिया और एक एन टाइप का सेमी कंडक्टर लिया और दोनों को सैंडविच कर दिया दोनों को क्या कर दिया सैंडविच कर दिया चिपका दिया एक साथ फिजिकली मैकेनिकली स्ट्रेसफुल ठीक है उसे ही हम पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं डायोड क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसमें दो चीज़ें हमने कनेक्ट करी क्या एक पी और एक एन ऐसे हम आगे पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर उसमें तीन चीज़ें जड़ती है जैसे पी फिर एन फिर पी पी के बीच में एन फिर पी जैसे ब्रेड जैम ब्रेड ऐसे जैम ब्रेड जैम भी हो सकता है हाँ हो सकता है सर तो उसे एन पी एन बोल देंगे ठीक है तो अभी तो हम पी एन जंक्शन डायोड समझ रहे हैं ठीक है चलिए तो शुरुआत करेंगे किसकी पी एन जंक्शन डायोड की पी एन जंक्शन डायोड देखो है क्या हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमी कंडक्टर के साथ क्या कर देना है सैंडविच कर देना है सैंडविच मतलब क्या हुआ फिजिकली या मैकेनिकली या स्ट्रेसफुली हम दोनों को चिपका देंगे पी एन जंक्शन डायोड में देखो होगा क्या एक पी टाइप का सेमी कंडक्टर है पी टाइप के सेमी कंडक्टर में होल्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं इसका मतलब होल डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या है ज़्यादा है इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वहाँ होल हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही अगर हम एन टाइप सेमी कंडक्टर देखें तो एन टाइप सेमी कंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है होल है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल डेंसिटी से ज्यादा है तो एक ऐसा रीजन या एक ऐसा सेमी कंडक्टर जिसमें होल ज़्यादा हैं और एक ऐसा सेमी कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं दोनों को हमने सैंडविच कर दिया क्या कर दिया सैंडविच तो इसे ही हम बोलते हैं पी एन जंक्शन क्या बोलते हैं पी एन जंक्शन ठीक है पी एन जंक्शन हम सैंडविच करके बनाते हैं ऑब्वियसली पी साइड मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होंगे और एन साइड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होंगे ऐसे ही एन साइड मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और पी साइड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो मेजोरिटी मेजोरिटी पी साइड होल है और एन साइड कौन है इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी की बात करें तो पी साइड इलेक्ट्रॉन है और एन साइड होल होंगे तो जब ये आप सिस्टम बना देते हो इसे हम पी एन जंक्शन कहते हैं पी एन जंक्शन का अगर आपको सिंबल दिखाऊं तो पी एन का आपको सिंबल दिखेगा ये रहा ये चीज आपका पी एन जंक्शन का क्या सिंबल है ट्राइंगल वाला पी होता है और एन वाला या स्ट्रेट लाइन बार आपका क्या होता है एन होता है ठीक है ट्राइंगल वाला पी है स्ट्रेट लाइन वाला एन है ठीक है तो इतना आप लोग याद रखना अब हम थोड़ा पी एन जंक्शन के बारे में समझते हैं पी एन जंक्शन हमें समझ लिया इसे जंक्शन डायोड क्यों कहते हैं क्योंकि दो चीज़ें जुड़ी हैं अब जरा हम डिफ्यूज़न करंट समझते हैं बच्चे है ना तो जरा आप ये जरा डायग्राम देखिए ये डायग्राम देख पा रहे हैं आप जरा ये डायग्राम देखिए क्या है इसे डायग्राम में देखिए एक साइड पी है एक साइड एन है ठीक है तो आप देख पा रहे होंगे पी साइड ये जो बबल्स हैं ना बबल्स ये जो गोले हैं है ना डॉट नहीं गोले हैं जो ये नीले पेन से हैं ये हमारे होल्स हैं ठीक है और डॉट वाले क्या हैं इलेक्ट्रॉन है तो देखिए पी साइड ज़्यादा क्या है होल्स ज़्यादा नहीं दिख रहे आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह होल हैं एक दो तीन चार चार ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे होल्स क्या हुए ज़्यादा हुए मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है होल हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है इलेक्ट्रॉन है जबकि अगर हम एन साइड की बात करें तो एन साइड देखिए डॉट्स ज़्यादा हैं और बबल्स क्या हैं कम हैं डॉट्स आपके इलेक्ट्रॉन हैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और होल क्या हैं कम हैं इसका मतलब एन साइड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है बच्चे अभी बस डायग्राम में दिमाग में इमेज बनाना है कि अभी ये बीच वाली चीज नहीं है अभी सिर्फ दो चीज़ें हैं तो एन साइड में आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है तो अब जरा हम डिफ्यूजन करंट समझते हैं देखिए डिफ्यूजन करंट क्या है आपको पता है पी साइड और एन साइड कंसनट्रेशन का क्या फर्क है किसकी मेजोरिटी चार्ज कैरियर की कंसनट्रेशन का क्या फ़र्क है पी साइड ज्यादा कौन है होल है और एन साइड ज़्यादा कौन है इलेक्ट्रॉन है कोई भी फ्री चार्ज कैरियर ऐसा है उसका नेचर ऐसा है कि वो चाहेगा कि मैं अपना वर्चस्व अपना साम्राज्य अपना एम्पायर सारी जगह खड़ा कर दूँ तो जैसे इलेक्ट्रॉन को ना बहुत बुरा लगता है जो एन साइड का मेजोरिटी चार्ज कैरियर का इलेक्ट्रॉन है उसे बहुत बुरा लगता है कि क्यों ना मैं अपनी दादागिरी पी साइड जाके दिखाऊं और जो एन टाइप में जो होल है दादा गुंडा कौन है होल है ना वहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है होल है तो होल को बुरा लगता है कि क्यों ना मैं अपनी गुंडागर्दी एन साइड दिखा के आऊँ यही होता है यही डिफ़्यूज़न करंट है कि जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अपने रीजन से अपोजिट रीजन की तरफ माइग्रेट करते हैं जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अपने रीजन से अपोजिट रीजन की तरफ माइग्रेट करते हैं तो ये जो मोशन होता है दिस मोशन गिव्स द राइज टू अ नेट करंट विच इज़ नोन एज अ डिफ्यूजन करंट इस मोशन की वजह से एक नेट करंट बनती है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट डिफ्यूजन करंट इज़ ओनली ड्यू टू द मोशन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम देयर एंड टू अपोजिट एंड ओके लाइक वेज द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन पी साइड इज होल्स दैट विल मूव टूवर्ड्स द एन साइड और जो एन साइड मेजोरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन वो पी साइड मूव करना चाहेंगे सिर्फ यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन देखना है तो चलिए डिफ्यूजन करंट की डेफिनेशन समझिए क्या लिखी हुई है देखिए व्हेन पीएन जंक्शन इज़ फॉर्म्ड व्हेन पीएन जंक्शन इज़ फॉर्म्ड जब पीएन जंक्शन बन जाता है तो ड्यू टू डिफरेंस इन कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है उसके कंसनट्रेशन में क्या है बहुत बड़ा फ़र्क है एंड टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और पी टाइप में होल ज़्यादा हैं तो होता क्या है उनका नेट मोशन होता है इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो एन रीजन से पी रीजन की साइड डिफ्यूज़ होना चाहेगा जंक्शन के थ्रू सर जंक्शन क्या है ये जो काला सा बड़ा सा बार दिख रहा है काला सा बड़ा सा बार ये जंक्शन है बच्चे क्या है जंक्शन ठीक है तो क्या होता है जब पी जंक्शन बनता है तो आपको पता है कंसनट्रेशन जो है मेजोरिटी चार्ज कैरियर की उसका फ़र्क है कैसा फ़र्क है इलेक्ट्रॉन एन टाइप में ज़्यादा है और होल्स पी टाइप में ज़्यादा हैं या मोशन करेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो एन रीजन से किस रीजन की तरफ जाना चाहेगा पी रीजन की तरफ़ जाना चाहेगा और जो होल्स हैं पी रीजन में वो एन रीजन की तरफ़ डिफ्यूज़ होना चाहेंगे जिसकी वजह से हमें एक नेट करंट मिलेगा जिसको हम डिफ्यूज़न करंट कहते हैं डिफ्यूज़न करंट की डायरेक्शन दोनों हो सकती है देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ से कर रहे हैं एन से पी और होल मूव कर रहा है पी से एन अब जरा समझना इसकी वजह से होता क्या है क्योंकि सेमी इलेक्ट्रिकली कैसा होता है न्यूट्रल होता है तो जैसे ही जैसे ही इलेक्ट्रॉन कौन कोई भी एक इलेक्ट्रॉन समझ लो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है इसे कोई समझ लो जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है एंड टाइप से पी साइड की तरफ जाएगा तो वो अपने पीछे लीव बिहाइंड अपने पीछे एक क्या आयोनाइज आयोनाइज मोबाइल इलेक्ट्रॉन है तो डोनर एटम छोड़ जाएगा जिसे हम पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन भी कहेंगे तो क्या बोला वैन एवर इलेक्ट्रॉन एज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कंटिन्यूज वैन एवर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन कीप इन माइंड प्लीज अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन इज द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन रीजन तो वैन एवर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूज थ्रू जंक्शन जंक्शन आपको पता है ये काला साबार है इस जंक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन जाएंगे देन टू मेनटेन द न्यूट्रेलिटी द इलेक्ट्रॉन विल लीव बिहाइंड नॉट अ होल इलेक्ट्रॉन विल लीव बिहाइंड एन आयोनाइज इन मोबाइल मूव नहीं कर सकता आयोनाइज है और कैसा एटम है एटम ही मानेंगे कैसा एटम है इलेक्ट्रॉन होता है डोनर टाइप का डोनर टाइप का एटम छोड़ देंगे जिसे हम पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन देखते हैं तो ये डॉटेड लाइंस और ये जो हमारा जंक्शन है इसके बीच में ये पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन दिख रहा है आप लोगों को हाँ जी सर दिख रहा है ये पॉजिटिव की बात कर रहे हो ये हमें दिख रहा है तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ वट इज़ दिस दिस इज दिस इज़ इमोबाइल आयनाइज इमोबाइल आयनाइज डोनर पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन इमोबाइल आइनाइज डोनर एटम विच इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन वाइट इज फॉर्म बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज फ्रॉम द एन साइड टू पी साइड सेम गोसॉर होल होल इज द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप्स सपोज दिस इज द होल होल आप दिख रहे हो एच ओ वैली होल दिख रहा है वैन एवर होल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मूव फ्रॉम इट्स गढ़ अपने रीजन से पी टाइप से एन टाइप की तरफ जाएगा इट बिहाइंड ये जो दिख रहा है आपको डॉट और बार के बीच में जंक्शन के बीच में ठीक है तो इसको ही बोल रहे हैं इट लीव्स बिहाइंड आयोनाइज इम मोबाइल आयोनाइज इम मोबाइल वहाँ डोनर था यहाँ एक्सेप्टर आएगा आयोनाइज इम मोबाइल एक्सेप्टर टाइप नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन आयोनाइज़ इम मोबाइल एक्सेप्टर टाइप नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन ठीक है ये चीज़ बन गई तो आप दोनों समझो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन की प्रोसेस के टाइम क्या होगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है प्लीज़ अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ जाना शुरू करेगा तो अपने पीछे वो लीव बिहाइंड कर देगा एक इमोबाइल दूसरा आयोनाइज तीसरा इलेक्ट्रॉन गया तो डोनर टाइप एटम जिसको हम पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन कहेंगे इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव आएगा ऐसे ही जब होल जो मेजोरिटी चार्ज कह रहे हैं पी टाइप में जब वो डिफ्यूज होगा थ्रू द जंक्शन देन इट विल लीव बिहाइंड पहली बात आयोनाइज दूसरी बात इमोबाइल तीसरी बात वो डोनर था ये एक्सेप्टर होगा वो पॉजिटिव था ये नेगेटिव टाइप स्पेस चार्ज रीजन कहलाएगा क्लियर है इतना सबश अब धीरे धीरे ये पाइलअप हो जाते हैं देखिए ये देख रहे हैं आप ये ये पाइलअप हो जाते हैं एन टाइप की साइड प्लस और पी टाइप की साइड कौन माइनस एन टाइप की साइड कौन प्लस पी टाइप की साइड कौन माइनस ये जो पाइलअप हो रहे हैं इसी को हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं क्या बोलते हैं डिप्लीशन लेयर इट इज़ लाइक नो मैंस लैंड ऑन बॉर्डर नो मैंज़ लैंड ऑन बॉर्डर यहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता यहाँ पे मैंस किसे बोल रहे हैं जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है गलत बात है पर बोल रहे हैं क्या करें गंदे लोग हैं चलो कोई बात नहीं जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है उन्हें हम मैन्स बोल रहे हैं नो मैंस लैंड ऑन वॉर्डर इनका मानना है जंग सिर्फ मर्द लोग ही लड़ते हैं हमारा इंडिया कितना प्रोग्रेसिव है आजकल तो वुमेन को भी देते हैं कमीशन है ना आर्मी में तो सिंपल सी बात है डिप्लीशन लेयर क्या है डिप्लीशन लेयर सिंपल से एक लेयर है विच विल फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफ्यूजन डिफ्यूजन की वजह से ही ये बनती है इसकी पोलैरिटी कुछ ऐसी होती है कि एन टाइप की साइड ये पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन बनाती है और पी टाइप की साइड ये नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन बनाती है इस पूरी लेयर में कोई भी मोबाइल आइटम्स नहीं होते ना मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं यहाँ इम मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं ठीक है इसे हम डिप्लेशन लेयर कहेंगे बच्चों तो आप डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन ज़रा समझ लो ये लिखो क्या लिखा हुआ इट इज़ लाइक नो मेंस लैंड ऑन बॉर्डर इट इज़ लाइक नो मैन्ज़ लैंड ऑन बॉर्डर होता क्या है यहाँ पे लिखो लिखा हुआ ये एज द प्रोसेस ऑफ़ डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप कंटिन्यूस ये मैंने आपको बताई है आंख बंद करो अब सोचो क्या बोला था इट लीव्स बिहाइंड इमोबाइल आयनाइज इलेक्ट्रॉन है तो डोनर टाइप स्पेस चार्ज रीजन विच इज़ पॉजिटिव अब खोलो आंखें और देखो क्या लिखा हुआ है एज द प्रोसेस ऑफ़ डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप कंटिन्यूज इट लीव्स इमोबाइल मोबाइल आयोनाइज डोनर टाइप एटम कॉल पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन और ऐसे इसका भाई होल करेगा तो एज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ होल विच इज़ मेजोरिटी चार्ज कैरियर प्लीज़ अंडरस्टैंड फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप कंटिन्यूज इट लीव बिहाइंड आंखें बंद करो क्या था इ मोबाइल था आई था वो डोनर था ये एक्सेप्टर होगा वो पॉजिटिव है ये नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन होगा ठीक है तो एज द प्रोसेज ऑफ अब आंखें खुलो एज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ होल फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप कंटिन्यूज इट लीव्स लीवस इम मोबाइल आई नाइज टाइप एटम विच इज कॉल्ड नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन अब ये जो पाइलअप हो गए पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन इस पूरे के टोटल को हम डिप्लिशन लेयर कहेंगे तो लिखा हुआ है दिस स्पेस चार्ज रीजन ऑन बोथ साइड ऑफ पी एन जंक्शन प्लीज़ अंडरस्टैंड पी साइड क्या है नेगेटिव है एम साइड क्या है पॉजिटिव है एन साइड जो पॉजिटिव है उसमें एटम कैसा है डोनर टाइप का है पी साइड जो नेगेटिव है उसमें एटम कैसा है एक्सेप्टर टाइप का है बच्चे साइड का है एक्सेप्टर टाइप का है दोनों ही मोबाइल हैं दोनों आइनाइज़ हैं इस रीजन को जो दोनों साइड बन गई हैं इसमें कोई भी मोबाइल आइटम नहीं होगा सारे इम मोबाइल आइन्स होंगे ठीक है इसको हम डिप्लीशन लेयर कहेंगे बच्चों क्या बोलेंगे डिप्लीशन लेयर कहेंगे चलिए अब हमें नेक्स्ट चीज़ समझनी है ज़रा देखो क्या चीज़ है नेक्स्ट चीज़ देखो ये डायग्राम देखो अच्छे से देख लिया सबश आपको पता है एन टाइप में कौन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है बच्चे इलेक्ट्रॉन है एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है इलेक्ट्रॉन है अब जरा देखो एक इलेक्ट्रॉन समझ लो अपने दिमाग में समझ लिया एक इलेक्ट्रॉन अपने दिमाग में देख लो देख लिया एक इलेक्ट्रॉन अपने दिमाग में देख लिया मान लो ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहे हैं यहाँ पहुँचा ये जंक्शन आ गया क्या आ गया जंक्शन आ गया अच्छा इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कौन दिखे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कौन दिखे नेगेटिव दिखे कौन देखे नेगेटिव देखे क्या इलेक्ट्रॉन जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है एंड टाइप में क्या उसे ये नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन रिपेल करेगा हाँ जी इसे ये नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन क्या करेगा रिपेल करेगा अच्छा सर रिपेल करेगा इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन या मूवमेंट या माइग्रेशन ऑफ ब्लॉक हो जाएगा हाँ जी जैसे डिप्लीशन लेयर बनेगी तो ये जो मोशन है ये क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा इतना आप लोग समझ जाओगे ये मोशन क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा ऐसे ही समझो दोबारा यहाँ देखो क्या है देखो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है होल कौन सी साइड पी साइड जैसे ये जंक्शन में जाएंगे अपना वाला इस स्पेस चार्ज रीजन इसे अफेक्ट इन करता जंक्शन के उधर वाला करेगा उसे मोशन भी वहाँ करना है जैसे ये होल वहाँ जाएंगे होल पॉजिटिव चार्ज है कीप इन माइंड क्या ये जो क्या ये जो पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन है क्या ये इन होल को रिपेल करेगा हाँ जी सर करेगा ही होल को क्या करेगा रिपेल करेगा अच्छा तो इसका मतलब होल का भी मोशन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उस होल का भी मोशन क्या ब्लॉक हो जाएगा हाँ जी हाँ ऐसा ही है जैसे ही डिप्लीशन लेयर बनती है जैसे ही आपकी डिप्लीशन लेयर बनेगी तो होगा क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा उनका धर्म क्या था वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए दूसरे साइड जाना चाह रहे थे वो हो नहीं पाएगा क्योंकि देखो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है उसे डिफ्यूज़न के उधर नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन ब्लॉक मारेगा और पी साइड के साइड जो होल हैं जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उसे एन साइड का पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ब्लॉक मारेगा अच्छा इसका मतलब मोशन नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा मोशन ठीक है एक तरह का बैरियर बन गया चार्ज का चार्ज का बैरियर होता है पोटेंशियल बैरियर कौन सा बैरियर पोटेंशियल बैरियर तो पोटेंशियल बैरियर की पोलैरिटी ऐसी है कि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को ब्लॉक करती है पोटेंशियल बैरियर की पोलैरिटी ऐसी है कि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ब्लॉक करती है इसी बैरियर को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर जो तभी बनेगा जब डिप्लीशन लेयर बनेगी और डिप्लीशन लेयर बननी नेचुरल है डिप्लीशन लेयर क्यों बनेगी डिप्लीशन लेयर इस वजह से बनेगी क्योंकि हमारी डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है ठीक है गुड चलिए सर अच्छी बात है अब जरा ये समझा दो क्या बोला आपने देखो मैंने तुमसे बोला पोटेंशियल बैरियर पढ़ो पोटेंशियल बैरियर क्या है जैसे ही डिप्लीशन लेयर बनेगी तो पोटेंशियल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी देख पा रहे होंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है ऐसी जाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेजोरिटी चार्ज कैरियर को क्या करेगी अपोज़ करेगी क्या करेगी अपोज करेगी ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर को क्या करेगी अपोज करेगी ठीक है यही लिखा हुआ है ड्यू टू डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी अक्रॉस द जंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन जो ऐसा बैरियर बनाएगी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के डिफ्यूज़न को रोकेगा मतलब इलेक्ट्रॉन एंड रीजन से पी रीजन नहीं मूव कर पाएगा और होल पी रीजन से अब एन रीजन मूव नहीं कर पाएगा इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर चलिए बहुत बढ़िया समझ गया आप शाबाश अब जरा हम एक और चीज़ समझते हैं यहीं पे। आओ देखो अब हम क्या चीज़ समझना चाहेंगे ये डायग्राम देखो ठीक से देख रहे हो पी साइड पता है ना कौन सी है लेफ्ट साइड पी है अब देखो हम एक और डायग्राम समझेंगे यहीं पे। ठीक है देखो क्या है वो डायग्राम देखो मान लो कि पोटेंशियल बैरियर की पोलैरिटी कुछ ऐसी है कि ये पी साइड का तो नुकसान कर रहा है मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर का नुकसान कर रहा है तो फ़ायदा किसका कर रहा है अब आप, आप ये देखो एन साइड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है होल है भैया कौन है होल जब होल जंक्शन के थ्रू जाना चाहेंगे जब होल जंक्शन के थ्रू जाना चाहेंगे तो होल को उस साइड मिलेगा क्या होल को उस साइड नेगेटिव चार्ज मिलेगा खुद कैसा है पॉजिटिव चार्ज का है तो क्या ये एकदम से इसे खींच लेंगे नेगेटिव वाले हाँ सर एकदम से खींच लेंगे इनको अरे वाह मतलब ये मेजोरिटी का तो ब्लॉक कर रहे हैं मोशन पर माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा जी माइनॉरिटी को क्या कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं एक और बार देखो यहाँ देखो यहाँ पे पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है इलेक्ट्रॉन है जिसे हमने डॉट से डिनोट करा है जैसे ये जंक्शन के उधर जाएंगे तो इन्हें कौन मिलेंगे पॉजिटिव मिलेंगे अरे पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव तो इन्हें खींच लेंगे ऐसे अच्छा पॉजिटिव खींच लेंगे पर पॉजिटिव के लिए जो ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन है ये तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हुए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन ये सपोर्ट कर रहे हैं एन साइड के साइड एन टाइप के साइड जो होल हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और पी साइड के साइड जो इलेक्ट्रॉन हैं जो माइनॉरिटी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं मतलब जैसे ही डिप्लीशन लेयर बनेगी जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी जैसे ही पोटेंशियल बैरियर बनेगा उसकी वजह से मेजॉरिटी को तो ब्लॉक हो जाएगा और माइनॉरिटी का सपोर्ट हो जाएगा माइनॉरिटी को सपोर्ट करेंगे बट ऑब्वियसली माइनॉरिटी का करंट इतना ज़्यादा तो होगा नहीं क्योंकि करंट यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन के माइनॉरिटी के कंसनट्रेशन ही कम है बहुत कम है मेजोरिटी से बहुत कम है लगभग वन बाई टेंथ होती है तो इतना करंट नहीं बनेगा बट कुछ तो बनेगा उस करंट को बच्चे डिफ्यूजन का अपोजिट बोलेंगे और उसे बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट कौन सा करंट ड्रिफ्ट करंट ड्रिफ्ट करंट क्या है वो करंट है जो डिप्लीशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर के सपोर्ट की वजह से पैदा हुआ है ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन हमेशा डिफ्यूजन करंट से अपोजिट होगी इतना क्लियर है शाबाश ड्रिफ्ट करंट तभी बनेगा जब पोटेंशियल बैरियर बनेगा एक और बात डिप्लेशन लेयर जितनी चौड़ी होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर होगा उतनी तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी उतना तगड़ा डिफ्यूजन करंट बनेगा नहीं उतना तगड़ा ड्रिफ्ट करंट बनेगा प्लीज अंडरस्टैंड उतना तगड़ा ड्रिफ्ट करंट बनेगा ये आपको याद रखना है क्लियर इतना गुड चलिए इतना क्लियर साबश चलिए तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली पोटेंशियल बैरियर भी हमें समझ में आ गया ड्रिफ्ट करंट देखिए क्या है द पोटेंशियल बैरियर डिप्लीशन लेयर सेटअप ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन है पी साइड में और होल है एन साइड में वो एन साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और पी साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे रिस्पेक्टिवली जिसकी वजह से एक ऐसा करंट आएगा जो डिफ्यूज़न करंट के अपोजिट होगा ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड डिफ्यूजन से तो कम होगा उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे ड्रिफ्ट करंट कहते हैं तो आई होप आप लोगों को ये चारों चीज़ें समझ में आई हैं कि पी एन जंक्शन कैसे बना डिफ्यूज़न करंट क्या होता है पोटेंशियल बैरियर क्या होता है देन उसके बाद ड्रिफ्ट करंट क्या होता है अब जरा हम फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग समझेंगे जरा यहाँ पे देखिए ये देख पा रहे हैं ये चीज़ देख पा रही हैं फॉरवर्ड बायसिंग का डायग्राम है आपने क्या देखा यहाँ पे? आपने ये देखा आपने ये देखा कि ये जो पॉजिटिव है ये बैटरी के प्लस से जुड़ा है पी से पी जुड़ा है और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा है अरे वाह मतलब बैटरी के प्लस से बैटरी के प्लस से पी एन जंक्शन का पी जुड़ा है और बैटरी के माइनस से पी एन जंक्शन का एन जुड़ा है इसे ही बच्चों फॉरवर्ड बाइसिंग कहेंगे क्या कहेंगे इसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहेंगे अब जरा रिवर्स बाइसिंग देखिए ये रही क्या देख पा रहे हो आप रिवर्स बाइसिंग में देखो फॉरवर्ड में देखो कितनी छोटी बैटरी लगी रिवर्स में कितनी ज़्यादा लगी क्योंकि रिवर्स में ऑब्वियसली माइनॉरिटी को हम सपोर्ट करते हैं तो रिवर्स बाइसिंग में देखिए क्या हुआ आप देख पा रहे हैं रिवर्स बाइसिंग में क्या है पी साइड जो है पी एन जंक्शन की उसमें नेगेटिव जोड़ा और एन साइड में पॉजिटिव जोड़ा अब जरा मैं आपको समझाता हूँ इससे होता क्या है ज़रा समझिए क्या चीज़ है आप ये देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है देखिए आपको पता है पी एन जंक्शन में पी साइड क्या हैं होल हैं ज़्यादा कौन है होल हैं ज़्यादा कौन है होल हैं ज़्यादा अगर आपने पी साइड अब फॉरवर्ड बाइसिंग कर ली मतलब पी साइड से पॉजिटिव जुड़ा है कौन जुड़ा है पी साइड से पॉजिटिव जुड़ा है तो आप ये समझ पा रहे होंगे पी एन जंक्शन के पी साइड प्लस आ जाएगा पोटेंशियल की वजह से अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा चलो अब आप खुद सोचो जो अंदर होल हैं क्या हैं होल हैं उन्हें यह पॉजिटिव पोटेंशियल रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा खुद सोचो होल कैसे होते हैं पॉजिटिव चार्ज के और ये पोटेंशियल भी कैसा है पॉजिटिव है तो क्या होगा रिपल्शन होगा रिपल्शन की वजह से वो किस तरफ ड्रिफ्ट करेंगे किस तरफ डिफ्यूज हो जाएंगे एन साइड की तरफ अच्छा एन साइड की तरफ डिफ्यूज़ हो गई इसका मतलब ये तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन हो गया अच्छा मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन हो रहा है इसका मतलब डिफ्यूज़न करंट बढ़नी शुरू हो गई ठीक है ऐसे उल्टा सोचो यहाँ क्या नेगेटिव पोटेंशियल है और यहाँ एन टाइप है एन टाइप में ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है बच्चे इलेक्ट्रॉन की होती है अगर इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पोटेंशियल मिल गया तो वो रिपेल होंगे किस तरफ होंगे रिपेल डिफ्यूज़ होंगे किस तरफ होंगे इलेक्ट्रॉन एन साइड से मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर पी साइड की तरफ जाएंगे अच्छा अगर वो पी साइड की तरफ गए तो क्या ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन नहीं है हाँ सर ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन है अगर ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन हुआ तो क्या ये डिफ्यूजन कर उनको जन्म नहीं देगा हाँ सर देगा तो आपको ये समझ में आया कि जो आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग होती है कौन सी बाइसिंग होती है फॉरवर्ड बाइसिंग होती है जो आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग में फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा फॉरवर्ड करंट मतलब डिफ्यूज़न करंट फ़्लो करेगा अब आप ख़ुद ही सोचो जितना ज़्यादा डिफ्यूज़न करंट फ्लो करेगा डिप्लीशन लेयर की उसके सामने कोई औकात होगी डिप्लीशन लेयर क्या किस को सपोर्ट करता है डिप्लीशन लेयर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रेट को सपोर्ट करता है पर जो हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाई उसकी इतनी ज़्यादा बोल वाला है कि वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर की तूती बजा देगा मतलब उसकी सारी मतलब बातें चलेंगी बढ़िया से ठीक है तो होगा क्या ऑब्वियसली डिफ्यूजन करंट अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा दब जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा पतला हो जाएगा डिप्लेशन लेयर बहुत छोटी मतलब सॉरी डिफ्यूजन करंट डिप्लेशन लेयर बहुत छोटी हो जाएगी जैसे ही हमने फॉरवर्ड बाइसिंग करी और मेजोरिटी चार्ज के रेट का मोशन हुआ तो याद रखना डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाएगी पतली हो जाएगी एलिमिनेट हो जाएगी फॉरवर्ड करंट मतलब डिफ्यूज़न करंट मैक्सिमम उसमें फ़्लो करेगी और करंट अगर मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस कम होगा इसका मतलब पी एन जंक्शन का रेजिस्टेंस भी क्या होगा लो होगा तो फॉरवर्ड बाइसिंग में सारी अच्छी बातें होती है करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है आपको मैकेनिज़म बता दिया मैंने प्लस को होल रिपेल करेगा तो वो उधर भागेंगे डिफ्यूज़ होंगे एन साइड और माइनस को एन मतलब इलेक्ट्रॉन उस साइड भगाएंगे तो इसकी वजह से डिफ्यूज़न बहुत अच्छे से होगा करंट मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा डिप्लेशन लेयर की टूती नहीं बोल पाएगी तो वो लो होगा मतलब डिमिनिश हो जाएगा मिनिमाइज हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी क्या होगा लो होगा बट अगर हम रिवर्स बाइसिंग कर लें अरे वाह रिवर्स बाइसिंग कर लें तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा रिवर्स बाइसिंग में बैटरी भी बहुत बड़ी लगानी पड़ती है तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा अब सारी बातें क्या हैं सारी बातें ऐसी हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट करना है अगर हमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट करना है तो डिप्लीशन लेयर जितनी बड़ी जितनी चौड़ी हो सकती है उतनी चौड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि डिप्लीशन लेयर ही वो पोटेंशियल बैरियर बनाती है जिसकी वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं मूव करते हैं डिफ्यूज़ करते हैं डिफ्यूज़ तो होते नहीं पर मूव करते हैं अपोजिट रीजन की तरफ ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा रिवर्स बाइसिंग में ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा ताकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो ना कर पाए रेजिस्टेंस वही है बच्चों स्पेस चार्ज रीजन ठीक है रेजिस्टेंस क्या है स्पेस चार्ज रीजन ही है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा हमें बहुत हाई करना पड़ेगा हाई हो ही जाएगा अगर हम रिवर्स बाइसिंग करेंगे और ऑब्वियसली डिप्लेशन लेयर आपकी वाइडिंग हो जाएगी और यहाँ पे करंट मेजॉरिटी की वजह से नहीं माइनॉरिटी की वजह से चलेगी तो फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग थोड़ा सा समअप कर ले कर लीजिए प्लीज़ अंडरस्टैंड फॉरवर्ड बाइसिंग में पी से प्लस एन से माइनस रिवर्स बाइसिंग में पी से माइनस एन से प्लस फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस बहुत लो करंट मेजॉरिटी की वजह से डिप्लीशन लेयर मिनिमाइज रिवर्स बाइसिंग में करंट माइनॉरिटी की वजह से डिप्लीशन लेयर जितनी चौड़ी हो सकती है उतनी चौड़ी होगी और रजिस्टेंस पूरा हाई हो जाएगा क्लियर जरा डायग्राम देखो फॉरवर्ड बाइसिंग का डायग्राम देखो ये पी दिख रहा है एन दिख रहा है पोटेंशियल बैरियर दिख रहे हैं हाँ सर पोटेंशियल बैरियर दिख रहा है हमें देखो पी से कौन जुड़ा हुआ है बैटरी का प्लस और एम से कौन जुड़ा हुआ है बैटरी का माइनस क्या जुड़ा हुआ है माइनस अब क्या है जितनी छोटी हो सके जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी डिप्लेशन लेयर बनाना ये प्लस क्या है पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ये माइनस क्या है नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन पी साइड कौन ज़्यादा है होल एम साइड कौन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाती है क्लियर है अब ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल वाली ज़्यादा होगी इंटरनल से इंटरनल किसकी वजह से होती है डिप्लीशन लेयर की वजह से होती है और एक्सटर्नल किसकी वजह से होती है बैटरी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के माइग्रेशन की वजह से होती है वही ज़्यादा होगी भैया रिवर्स बाइसिंग में बैटरी बदल देना क्लियर है इतना रिवर्स बाइसिंग में क्या बदल देना बैटरी ठीक है अब जरा ये देख लो कि फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग जो है फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग है क्या अब पी एन जंक्शन डायोड एक पी एन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड बाइस कब कहेंगे जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट हो और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी एन जंक्शन के एन साइड से कनेक्ट हो ये तो सिंपल सी बात है आपको पता चल गया अब देखिए बच्चे रिवर्स बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग क्या है एक पी एन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स बाइस कब कहेंगे जब बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल पी साइड से कनेक्ट हो और बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल पी एन जंक्शन के एन साइड से करंट कनेक्ट हो ठीक है चलिए फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट समझिए क्या है देखिए फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट कुछ नहीं है फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको पता है जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किसकी वजह से फ्लो करता है फॉरवर्ड बाइसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है उसी करंट को हमें फॉरवर्ड करंट कहना है तो इन फॉरवर्ड बाइसिंग द इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ फ्लो या विच गेट्स फ़्लो ड्यू टू द मोशन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर विच गिव राइज टू फॉरवर्ड करंट रिवर्स करंट में क्या है रिवर्स करंट में हमें बहुत बड़ी बैटरी लगानी पड़ती है जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर वाइडन होती है और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का माइग्रेशन होता है क्लियर है इतनी बातें गुड चलिए इतना आपने समझ लिया चलिए फॉरवर्ड बाइसिंग के थोड़े बेसिस देखेंगे हम देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग के बेसिस क्या हैं देखिए अंदर अगर हम बात करें पी जंक्शन के अंदर तो पी जंक्शन के अंदर ये कहने की बात नहीं है आपको भी पता है पी जंक्शन के अंदर मोशन तो दोनों की वजह से है किसके लिए इनसाइड इनसाइड द पी जंक्शन मोशन दोनों की वजह से है कौन कौन है वो दोनों होल और इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज कैरेट की वजह से मोशन होगा बट वायर में हमेशा एक्सटर्नली फ्लो कौन करेगा इलेक्ट्रॉन ही करेगा जो बैटरी सप्लाई करेगी तो इन साइन यही लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि इंसाइड द जंक्शन डायोड करंट इज़ ड्यू टू बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर करंट जो है दोनों तरह के चार्ज कैरियर की वजह से है बट एक्सटर्नल सर्किट में वो सिर्फ वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं उन्हीं की वजह से हो पाएगा यहाँ करंट किसकी वजह से यहां है यहाँ करंट है मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो करंट बड़ी तरीके से मीज़र होगा तो हम मिली एम्पियर में करेंगे तो मैं तो छोटा लगेगा मिली एम्पियर करंट बहुत बड़ी क्वान्टिटी है एम्पियर में तो मिली एम्पियर जब भी हो तो मेजोरिटी है माइक्रो तो छोटा होता है ना हज़ार गुना छोटा है वन बाई थाउजेंड टाइम्स है मिली माइक्रो का कितना छोटा होता है वन बाई थाउजेंड टाइम्स होता है सॉरी सॉरी थाउजेंड टाइम्स बड़ा होता है और माइक्रो मिली का वन बाई थाउजेंड टाइम्स छोटा होता है मिली होता है दस की पावर माइनस तीन माइक्रो होता है दस की पावर माइनस छः दोनों ही कम है बट अपने उसमें काफ़ी हैं बहुत बड़े हैं ठीक है तो आप ये याद रखना कि फॉरवर्ड करंट में क्या होता है फॉरवर्ड करंट में ऑब्वियसली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का माइग्रेशन होता है तो इसकी वजह से जो करंट बनेगा वो रिलेटिवली बड़ा होगा रिलेटिवली क्यों बड़ा है क्योंकि रिवर्स करंट में तो माइक्रो में होगा तो यहाँ पर किस में लेना पड़ेगा मिली में ठीक है और करंट यहाँ पर बेसिकली ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा बैटरी अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा आपका मेजोरिटी चार्ज कैरियर का मोशन होगा तो यहाँ पे जो आपका फॉरवर्ड करंट बनता है वो एक्सटर्नल बैटरी के पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैसे ग्राफ नॉन लीनियर बनेगा वो हम देख लेंगे देखो रिवर्स बाइसिंग में कुछ ख़तरनाक चीज़ है थोड़ा वो आपको समझना है रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज कॉन्सटेंट आ जाती है क्यों आती है वो आप लोगों को देखना है तो देखिए रिवर्स बाइसिंग में क्या है रिवर्स बाइसिंग मेजोरिटी चार्ज कैरियर को अपोज करती है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करती है सपोर्ट करती है तो बहुत छोटा एक रिवर्स करंट बनेगा इसके लिए डिप्लेशन लेयर बड़ी होनी चाहिए और बड़ी बैटरी उसके लिए लगानी पड़ती है ठीक है अब देखो जंक्शन डाइट के अंदर करंट दोनों की वजह से है बट एक्सटर्नली तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं ये चीज़ है अच्छा ये करंट बना क्यों ये करंट इसलिए नहीं बना जो रिवर्स करंट है ये इसलिए नहीं बना कि मेजोरिटी या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ़्लो कर रहे हैं इसलिए नहीं बना एक्चुअली ये बना क्यों ये करंट तब बनता है कि जब हम बैटरी इतनी हाई लगा दें कि उस बैटरी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कुछ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाए कुछ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं कुछ कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाते हैं ब्रेक हो जाते हैं और उस कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से जिस रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे मतलब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ मान लो कहाँ एन रीजन में और एन साइड देखो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों ही निकलेंगे इलेक्ट्रॉन भी और होल भी पर एन साइड माइनॉरिटी कौन है होल है तो उस बॉन्ड से टूटने वाला जो होल है वो जाएगा पी साइड की तरफ अब माइनॉरिटी उल्टा हो जाएगा ठीक है अब ऐसे ही अगर आपका पी साइड है पी साइड की तरफ अगर कोवलेंट बॉन्ड टूटा तो दोनों ही निकलेंगे इलेक्ट्रॉन और होल बट ये रिवर्स वाइसिंग सपोर्ट किसे करेगी जो माइनॉरिटी है पी साइड में कौन है इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से निकले बॉन्ड से निकला है उसको उधर भेजेंगे तो ये लिखा हुआ है द करंट इज स्मॉल एंड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ सम कोवलेंट बॉन्ड हेंस लीकेज ऑफ सम माइनॉरिटी अक्रॉस द जंक्शन लीकेज हो जाती है ये बात है ये दोनों चीज़ें तो एक साथ ही होती है ना बच्चों ये चीज़ है चलिए तो आप जरा यहाँ पे देखिए इसकी वी आई करेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज और करंट की करेक्टरिस्टिक्स किसकी किसके देखने है? वोल्टेज और करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है किसकी फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग दोनों की तो देखिए क्या है वी आई करेक्टरिस्टिक्स आप देख पा रहे होंगे वोल्टेज यहाँ प्लस है वोल्टेज वहाँ नेगेटिव है प्लस मतलब पी से पी जुड़ा होगा एन से एन जुड़ा होगा है ना और माइनस मतलब पी से एन पी से नेगेटिव यहाँ पे मतलब प्लस मतलब क्या है पी से नेगेटिव पी से पॉजिटिव टर्मिनल और एन से नेगेटिव टर्मिनल और माइनस वी मतलब क्या है पी से आपका कौन सा टर्मिनल पी से पी से पी से पी से नेगेटिव टर्मिनल और एन से पॉजिटिव टर्मिनल ठीक है तो देखिए करंट जब मिली एम्पियर में है तो वो फॉरवर्ड करंट होगी और करंट जब माइक्रो एम्पियर में है ठीक है तो वो कौन सी करंट होगी रिवर्स करंट होगी तो प्लीज़ बच्चों यहाँ पे माइक्रो एम्पियर लिख लेना मिली एम्पियर नहीं है ये कौन सा एम्पियर माइक्रो एम्पियर है और ऊपर वाला मिली है तो देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में ग्राफ सीधा तो चला पर लीनियर नहीं है चला तो सही है पर लीनियर नहीं है बट यहाँ बहुत अजीब सा हो गया एक पर्टिकुलर पोटेंशियल में करंट ऐसी हो गई कि वो वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं कर रही देख लो सीधी जा रही करंट तो बढ़ रही है पर वोल्टेज नहीं बढ़ रही आई बात समझ में करंट तो बढ़ रही है ना सर बढ़ रही है करंट हाँ करंट वाई एक्सिस में है, तो करंट बढ़ तो रही है करंट वाई एक्सिस में देखो यहाँ पे भी बढ़ रही है बट देखो वोल्टेज बढ़ी नहीं रही वोल्टेज के इंडिपेंडेंट हो गई इसे हम बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन एवलांचे देखा ना आपने दिखाते नहीं तुम लोगों को हिमालय हिमालय में एवलांचे चिल्लाओ ज़्यादा तेज नहीं चिल्लाना नहीं तो बर्फ़ गिर जाती है वही चीज़ है एवलांचे ब्रेकडाउन वही चीज़ होती है सिंपल सी बात है देखो नोट देख लो इन फॉरवर्ड करंट इन फॉरवर्ड बाइसिंग करंट राइज वेरी रैपिडली विद वोल्टेज एज रेजिस्टेंस इज लो हमें तो पता है जैसे हम बैटरी लगाएंगे तो मेजोरिटी चार्ज करें बड़े धूमधढ़के से मूव करेंगे तो करंट भी मैक्सिमम बन जाएगी बट रिवर्स बाइसिंग में उल्टा हो जाता है रिवर्स बाइसिंग में इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती और एक समय बाद तो वोल्टेज पर डिपेंड ही नहीं करती जो आपको दिख रहा है ये देख लेना वी आई करेक्टर बना देना यहाँ पर ऐसे बनाना पैराबोला टाइप की और यहाँ पर एक चीज़ एक पर्टिकुलर पोटेंशियल में वोल्टेज के इंडिपेंडेंट हो जाएगी हमारी रिवर्स करंट यही हमें समझना है कि अवलांशे ब्रेकडाउन क्या होता है पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो देखो क्या होता है इफ़ रिवर्स बाइस इज़ मेड सफिशेंटली हाई अगर हमने रिवर्स बाइसिंग बहुत हाई बना दी मतलब बहुत बड़ी बैटरी लगा दी तो द कोवलेंट बॉन्ड्स नियर द जंक्शन ब्रेक ये जो आपने जंक्शन देखा था ये जो जंक्शन है इसके पास के कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे टूट जाएंगे ठीक है तो यही हम बात करना चाह रहे हैं रिवर्स बाइसिंग में क्या है कि इफ़ रिवर्स बाइस इज़ मेड सफिशेंटली हाई अगर हमने रिवर्स बाइसिंग को बहुत सफिशेंटली क्या बनाया हाई बनाया तो जो कोवल बॉन्ड होंगे जंक्शन के नियर वो टूटेंगे जिसकी वजह से सफिशेंट क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन और होल फ्री हो जाएंगे ठीक है अब ये जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं इन पे एक तो इनको निकाला गया है ऊपर से इनको काइनेटिक एनर्जी भी मिली एक तो इनको निकाला गया निकाला गया ना बॉन्ड से जब हमने हाई बैटरी लगाई मतलब हमने रिवर्स बाइसिंग बहुत हाई कर दी जिसकी वजह से जंक्शन के नियर के कोवलेंट बॉन्ड टूट गए अब जब ये कोविलेंट बॉन्ड टूट के जो इलेक्ट्रॉन और होल निकले उन पर अभी भी इतनी एनर्जी बरकरार थी इतनी एनर्जी रह गई थी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे जिसकी वजह से वो और बॉन्ड्स को तोड़ेंगे अच्छा तो यही लिखा हुआ है इफ़ रिवर्स बाइस इज़ मेड सफिशेंटली हाई अगर हमने रिवर्स बाइस को बहुत हाई बना दिया तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं जंक्शन के नियर वो टूट जाएंगे जिससे इलेक्ट्रॉन और होल क्या होंगे फ्री होंगे अब ये इलेक्ट्रॉन और होल पे सफिशेंटली इतनी एनर्जी है ताकि ये अदर कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ पाएँ दर्ज बहुत ज़्यादा जंक्शन के नियर इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो जाएंगे जमा होने लग जाएंगे जो कि फ्री हैं तो इसकी वजह से क्या होगा ये जो इलेक्ट्रॉन और होल टूटे ये रिवर्स बाइसिंग की वजह से टूटे तो ऑब्वियसली ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही कहलाएंगे ये रिवर्स बाइसिंग की वजह से टूटे तो ऑब्वियसली ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही कहलाएंगे और जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकले इन्होंने और बाउंड तोड़ दिए तो ये माइनॉरिटी चार्ज के की कंसनट्रेशन जंक्शन के नियर बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से रिवर्स करंट एकदम से हाई एब्रप्टली बढ़ेगा ठीक है तो दस अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स गेट फ्री देन रिवर्स करंट राइजेस एब्रप्टली टू अ हाई वैल्यू और फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगा और उसके बाद वो वोल्टेज पर डिपेंड ही नहीं करेगा इसका एक नुकसान है ये हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है जो भी हमारा जंक्शन है उसे ख़राब कर सकता है कोई जंक्शन रह नहीं पाएगा एकदम से ये जिसने इसे पैदा कराया डिप्लेशन लेयर ने उसको ये ख़त्म कर देगा बर्बाद कर देगा इसे ही हम एवलांचे ब्रेकडाउन कहते हैं और ये जनरली हमारा अगर हम जेनाडायर डाके पढ़ेंगे तो उसके वोल्टेज रेगुलेशन में यूज़ होगा ठीक है तो आपने क्या समझा दो तीन पॉइंट यहाँ से समझे कि अगर हम हाई बैटरी लगा दें रिवर्स वाइसिंग में तो जिसकी वजह से जंक्शन के नियर के कुछ कोवलेंट बाड टूटेंगे उनसे कुछ इलेक्ट्रॉन और होल फ्री होंगे उन इलेक्ट्रॉन और होल में सफिशेंटली इतनी हाई एनर्जी है कि वो और बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी चार्ज के रेट बहुत सारे से जमा हो जाएंगे जिसकी वजह से हमारा रिवर्स करंट एब्रप्टली एकदम से हाई वैल्यू में बढ़ेगा और फिर वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा इट डजेंट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज दिस वैल्यू ऑफ करंट रिवर्स करंट इज़ नोन एज High reverse current which is constant and this whole process is known as avalanche breakdown. It is very dangerous. It can, it can, it can damage the pn junction or the cause which created that is depletion layer. theek hai depletion layer ko ye khatma kar degi बहुत खतरनाक होती है ये voltage regulator में use करते हैं. तो यहाँ पे आपको ये दिख भी रहा है reverse biasing. देखिए ये ये constant हो चुकी है. ठीक है पर इतनी ज़्यादा नहीं है majority के सामने इसकी कोई आकांक्षा नहीं होगी. ठीक है तो आई होप हमने ये सारा कवर कर लिया है अब हम आगे देखते हैं क्या चीज बची है ठीक है गुड